उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में बाढ़ राहत एवं बचाव कार्य जिला प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। बाढ़ राहत एवं बचाव कार्य के दृष्टिगत आयुक्त देवी पाटन मंडल श्री शशि भूषण लाल सुशील एवं डीएम श्री पवन अग्रवाल द्वारा अधिकारियों के साथ आज रात्रि में 10 बजे तहसील बलरामपुर सदर के ग्राम भ्यूरी में तटबंध के कटान को रोकने के लिए किया जा रहा कार्य का निरीक्षण किया गया। बताते चलें कि कल रात्रि में कतिपय कारणों के ग्राम भ्यूरी में तटबंध कट गया था। तटबंध कटने की सूचना मिलने पर तत्काल आयुक्त महोदय एवं डीएम महोदय द्वारा मौके पर पहुंचकर तटबंध के कटान को रोकने के लिए बाढ़ खंड के अधिकारियों को युद्ध स्तर पर कार्य किए जाने का निर्देश दिया गया था, जिसके क्रम में दोबारा आज रात्रि 10 बजे आयुक्त महोदय एवं डीएम महोदय द्वारा ट्रैक्टर के मौके पर जाकर तटबंध के कटान को रोकने के कार्य का निरीक्षण किया गया। नदी का प्रवाह ज़्यादा होने के कारण तटबंध के कटान को पुनः भरने में 24 घंटे का समय लगा। लगातार 2 दिन रात्रि में आयुक्त महोदय एवं डीएम महोदय के निरीक्षण एवं निरंतर निगरानी से बेहतर परिणाम देखने को मिला एवं 24 घंटे निरंतर कार्य के बाद तटबंध के कटान को भरते हुए तटबंध को लगभग सुरक्षित कर दिया गया है। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि विगत 2 दिनों से नेपाल में भी और जनपद में भी काफ़ी बारिश के कारण सभी क्षेत्रों में काफ़ी मात्रा में जलभराव हुआ है। राप्ती नदी में जो सिंचाई घाट पर स्थापित गेज है वहाँ पर भी जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर चल रहा था, लेकिन अभी वो स्थिर हो गया है और धीरे धीरे घटना भी प्रारंभ हो गया है। इसके साथ सभी क्षेत्रों में हमारी सभी बाढ़ चौकियाँ, सभी बाढ़ शरणालय सभी एक्टिव हैं। सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा, मेरे स्वयं के द्वारा भी सभी क्षेत्रों का भ्रमण कर सतर्क की दृष्टि बनाए रखी जा रही है। नाप भी हमारे द्वारा मंगा ली गई है, जिनको अलग अलग जगह पर डिप्लॉय करा दिया गया है। SDRF और फ्लड प्लाटून PAC भी उपलब्ध है। सभी प्रकार की स्थिति पर सतर्क नज़र रखी जा रही है और अभी स्थिति नियंत्रण में है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।